देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना रौद्र रूप ले रहा है। राज्य में कोरोना के 3000 से ज्यादा केस सामने आने के बाद सीएम नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अपनी चिंता का इजहार सीएम ने ट्विटर पर किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने और विस्तार हेतु मैंने निर्देश दिए हैं। आने वाले खतरे की आशंका को देखते हुए राज्य के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कोविड सेंटर की संख्या को तत्काल बढ़ाए जाने की जरूरत है। पीपीई किट और दवाओं की कमी ना होने पाए, इसके लिए सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए। डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम फिर से शुरू किया जाए। इस स्क्रीनिंग टीम में प्रवासियों के स्किल को देखने और परखने वाला भी होना चाहिए। जब कोरोना अमेरिका में बेकाबू हुआ तो ट्रंप ने आने वाले समय को मुश्किल बताया। उनकी तरह ही बिहार के सीएम नीतीश ने कहा, आने वाला समय बिहार के लिए चुनौतीपूर्ण है। ईद के बाद से ही कोरोना को लेकर नीतीश कुमार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। इन ट्वीट्स में उनकी चिंता साफ नजर आ रही है। इससे पहले किए ट्वीट में उन्होंने लिखा था, बाहर से आए श्रमिक जो क्वारंटीन में रह रहे हैं उनकी प्रोटोकॉल के मुताबिक तेजी से टेस्टिंग होती रहे, प्रवासियों की योजना बनाकर अधिक से अधिक जांच की जाए। इससे पहले किए अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने लिखा था, कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाते हुए पूरी तैयारी रखी जाए। और ट्वीट में नीतीश कुमार ने बाहर से आने वाले प्रवासियों को चिंता जताते हुए लिखा, अब बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, उनके आने का सिलसिला अब भी जारी है, उनमें काफी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी जिलों के आइसोलेशन वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इससे पहले बिहार में कोरोना को कंट्रोल करने और बेहतर इम्यूनिटी को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे तो सीएम साहब को राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की याद आई है। कोरोना को कंट्रोल करके केरल जैसे छोटे राज्यों ने उदाहरण पेश किया है, बिहार को ऐसे राज्यों से सीख लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।